हेलो फ्रेंड्स, आज हम मालपुआ बनाएंगे जो बाहर से क्रिस्पी अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे। तो चलिए इसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 200 ग्राम गेहूं का आटा, 50 ग्राम सूजी, सूजी आप महीन वाली ही लीजिएगा, 50 ग्राम मैदा, 500 ml दूध, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 2 चम्मच दरदरी कुटी सौंफ, 2 पिंच बेकिंग पाउडर, 250 ग्राम चीनी। अब हम गेहूं के आटे में मैदा डालेंगे, सूजी डालेंगे, इलायची का पाउडर डालेंगे, सौंफ डाल देंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें दूध डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। दूध आप हल्का गुनगुना ही लीजिएगा। इसे हम लोग होली के त्यौहार में ज़रूर बनाते हैं, इसके बिना तो होली का त्यौहार अधूरा ही रहता है। इस बार आप भी मालपुआ ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए, बैटर लगभग तैयार हो गया है। अब हम इसमें आधी कटोरी मलाई डालेंगे। मलाई ना हो तो ना डालिए, आप ऐसे ही बनाइए। अगर दूध का पाउडर है तो आप इसमें 3 चम्मच दूध का पाउडर डाल सकते हैं। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। तब तक हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हमने 250 ग्राम चीनी लिया है। आप जिस गिलास से चीनी लीजिए उसी गिलास से आप उतना ही पानी नाप के डालिए। और इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। इसमें एक तार या दो तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, बस ये चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी सी बन जाए। चाशनी देखिए लगभग तैयार है। अभी ये उतना चिपचिपा नहीं हुआ है, थोड़ी देर इसे हम और बनाएंगे। और ये चाशनी अब हमारी तैयार हो गई है, इसमें चिपचिपापन आ गया है। अब इसे हम अलग रख देंगे। और बैटर भी देखिए सेट हो गया है। एक बार हम इसे और चलाएंगे अच्छे से। देखिए बैटर कितना अच्छा तैयार हुआ है। बस इसी तरह आप तैयार करिए, इससे बहुत अच्छे मालपुए बनेंगे। अब गैस पर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें हम रिफाइंड डालेंगे। और एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये तेल गरम हुआ है या नहीं हुआ है। और ये देखिए तेल गरम हो गया है। अब हम मालपुआ बनाएंगे। आप ऐसी कोई कलछी ले लीजिए जिससे ना बहुत बड़ा बने ना बहुत छोटा बने, मीडियम साइज़ का मालपुआ बनेगा। और अब हम कढ़ाई में बैटर को डालेंगे इस तरीके से। आप कलछी हिलाइए ना, एक ही जगह जहाँ डालिए वहीं पर डालिए। ये देखिए इस तरीके से फिर मालपुआ बनेगा। और इसके ऊपर हम थोड़ा गरम तेल डालेंगे। इस तरह आप धीरे धीरे इसे हिलाते रहिए। और अब इसे आराम से पलट दीजिए, ध्यान रखिए इसके छींटे ना पड़े। इसी तरह हम दूसरा मालपुआ भी डालेंगे।
इस तरह से हम सारे बैटर के मालपुए बनाएंगे। इसे आप मीडियम फ्लेम पर ही बनाइएगा। ये देखिए मालपुआ तल के तैयार है। अब इसे हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी हल्की गर्म ही होनी चाहिए। इस तरह इसे हम चाशनी में डाल देंगे और इसे चाशनी में पलट देंगे।